वो मंजिलें क्या, वो रास्ते क्या, जब दिल में हो हौसला फिर फासले क्या। कहते हैं कि मंजिलें बेगाने हो सकती हैं, राहें मुश्किल हो सकते हैं, मगर जब दिल में हौसला हो तो सारी फासले खुद ब खुद सिमट कर रह जाते हैं। क्योंकि चंद्रयान टू ने सिर्फ हमारा चांद से संपर्क ही तोड़ा था, हमारे संकल्प को नहीं तोड़ा था, और उसी संकल्प के बदौलत आज हम लोगों ने चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया था, जिसको आज चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कराने में आज हम लोग सफल रहे। तो इसके लिए मैं ढेर सारा बधाई दूंगा सभी देशवासियों को, और विदेश के जितने भी लोग हैं, दुनिया के जितने लोग हैं, सारे एक टके लगाए बैठे थे कि क्या भारत का चंद्रयान थ्री सुरक्षित लैंड कर पा रहा है या नहीं। हमारे सभी भारतीय टीवी पे, टेलीविज़न पे अपनी आँख नज़रें गड़ाए बैठे थे कि हमारा चंद्रयान थ्री क्या कहीं चंद्रयान टू की तरह असफल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान टू से हमारे वैज्ञानिक बहुत कुछ सीखे हैं और शायद चंद्रयान थ्री सुरक्षित लैंड कर पाएगा, और आप सभी के विश्वास के अनुरूप चंद्रयान थ्री ने चांद पर सुरक्षित लैंड किया। तो इसके लिए मैं बहुत सारा बधाई देना चाहूँगा इसरो के वैज्ञानिक, इसरो प्रमुख एस श्री सोमनाथ जी को और उनके पूरी टीम को, पूरे वैज्ञानिकों को, जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, चंद्रयान टू में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया। क्योंकि चंद्रयान टू से चंद्रयान थ्री में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस वजह से आखिर वो क्रैश हुआ, किस वजह से वो सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं बहुत सारा आभार प्रकट करूँगा सभी देशवासियों को, सभी इसरो के वैज्ञानिकों को, अपने प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को ऊपर कभी कोई शक संदेह नहीं था, उनके अंदर ये काबिलियत थी पहले से ही। शायद उनको संसाधन की कमी थी जिनके बदौलत इतनी देर से हम लोग चांद पे अपने तिरंगा को लहरा पाए, वरना इस तिरंगे को, इस कारनामे को कई वर्ष पहले ही हम लोग कर चुके होते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारा बधाई दूंगा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने कि चंद्रयान टू असफल होने के बाद भी फिर से चंद्रयान थ्री को लॉन्च करने का मौका दिया, वो संसाधन दिया उन लोगों को, जिसके बदौलत आज हम लोगों ने चांद के रास्ते की जो दूरियों की फासला थी उसको फतह कर चांद पे अपने तिरंगा लहराए। भारतीय टीम आयरलैंड में गई थी, वहाँ से मैं देख रहा था कि सभी खिलाड़ी टेलीविज़न पे अपने नज़रें टिकाए बैठे थे और सारे देशवासी कितनी खुशी मना रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं भी कितना खुश हूँ। शायद उस खुशी को शब्दों में नहीं पिरो सकता कि आप लोगों के समक्ष मैं रखूं। फिर भी मैं बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारे बधाई सभी देशवासियों को, इसरो प्रमुख श्री एस सोमनाथ जी को, उनके सभी वैज्ञानिकों को, सभी देशवासियों को, और एक विशेष बधाई प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने आपने चंद्रयान टू को असफल होने के बाद भी चंद्रयान थ्री को लॉन्च करने का इतना जल्दी मौका दिया अपने वैज्ञानिकों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद।